और अब एक बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में जांच पड़ताल लगातार चल रही है और इसी मामले में मास्टरमाइंड ललित झा ने कर्तव्य पथ थाने में अब खुद सरेंडर कर दिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में कर्तव्य पथ थाने में ललित झा ने खुद सरेंडर कर दिया है। दिल्ली पुलिस ने अब ललित को स्पेशल सेल को सौंप दिया है जो जांच पड़ताल को आगे लगातार बढ़ा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। अब इसके बाद कई सारे सवालों के जवाब जो पुलिस तलाशने की कोशिश कर रही थी वो इसके बाद हो सकता है कि मिल जाए। ललित पर संसद के बाहर घटना का वीडियो बनाने का भी आरोप लगा है। इन सब के बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, उस घटना की वजह से पूरे देश में सनसनी फैल गई थी, हर कोई सकते में आ गया था। दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा यह है कि संसद में स्मोक कलर अटैक का मास्टरमाइंड और इस साजिश का छठा आरोपी कोलकाता का रहने वाला ललित झा है, जिसने इस घटना के करीब 30 घंटे के बाद सरेंडर कर दिया। उसके इशारे पर संसद के अंदर अंजाम दी गई इस घटना ने पूरे देश को ही झकझोर कर रख दिया। संसद के अंदर आरोपी सागर और मनोरंजन ने न सिर्फ घुसपैठ की बल्कि दोनों दर्शक दीर्घा से लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कूद गए। जब उन्हें पकड़ने की कोशिश की गई तो उन्होंने वहां कलर स्प्रे कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद लोकसभा के अंदर मौजूद तमाम सांसद बुरी तरह से घबरा गए क्योंकि कलर स्प्रे करने के बाद पूरे हॉल में पीले रंग का धुआं छा गया। हालांकि बाद में किसी तरह दोनों आरोपियों को सांसदों ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई भी कर दी। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की साजिश रचने वाला, या ये कहें कि इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड ललित झा है। पुलिस के सूत्रों का ये भी दावा है कि संसद के अंदर और बाहर प्रदर्शन करने वाले चारों आरोपी उसी के संपर्क में थे। और जैसे जैसे इस पूरे मामले की जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है वैसे वैसे चौंकाने वाले खुलासे भी होते चले जा रहे हैं। अब संसद की सुरक्षा में चूक मामले में मास्टरमाइंड ललित झा पर बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। ललित झा पर पूरी घटना का प्लान तैयार करने का ये बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। घटना का वीडियो भी बनाने का आरोप है। मौके से फरार होकर राजस्थान के नागौर में वो छिपा था और उसके बाद आप देखिए कैसे वो खुद पहुंचता है, सरेंडर कर देता है और अब इसी को लेकर जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। दो साथियों से बताया गया कि वो राजस्थान में मिला था और उसके बाद एक होटल वहां पर जिसने रात बिताई थी। जब ललित को यह पता चला कि दिल्ली पुलिस उसकी तलाश कर रही है तो वो वापस दिल्ली आ गया और कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया क्योंकि वो जानता था कि जिस हिसाब से जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है जरूर जो पुलिस है वो उस तक पहुंच जाएगी और इसीलिए खुद सरेंडर कर दिया। इस सबके बीच में आपको ये भी बता दें कि संसद की सुरक्षा में चूक मामले में फरार पांचवें आरोपी ललित झा ने दिल्ली में कर्तव्य पथ थाने में सरेंडर कर दिया है। ललित झा को पूरी साजिश का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित झा पर और क्या आरोप है ये आपको बताते हैं। ललित झा पर संसद में स्मोक कलर अटैक की पूरी प्लानिंग, पूरी साजिश रचने का आरोप है। ललित पर ही घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख, इसी तारीख को तय करने का भी आरोप है। ललित पर संसद के बाहर घटना का वीडियो बनाने का भी आरोप है। ललित पर सभी आरोपियों के फोन अपने पास रखने का भी आरोप है। ललित पर सभी आरोपियों के फोन से सबूत मिटाने का भी बहुत बड़ा आरोप है और उस मोबाइल फोन में क्या है जब इसकी जांच की जाएगी तो हो सकता है कि नेटवर्क कितना बड़ा है ये भी जानकारी पुलिस के सामने आ चुके हैं। इन सबके बीच में एक और बड़ी खबर आपको बता दें, पुलिस सूत्रों का एक और बहुत बड़ा दावा यह है कि घटना से पहले ललित ने चारों के फोन अपने पास रख लिए थे। घटना के बाद जैसे ही पुलिस ने उसकी तलाश शुरू की वो सभी के फोन लेकर फरार हो गया। अब शक ये है कि चारों आरोपियों के फोन में इस साजिश से जुड़े हुए कई बहुत बड़े सबूत हो सकते हैं और इसीलिए प्लानिंग के तहत आरोपी ललित इस घटना के बाद सभी के मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था। शक है कि उसने मोबाइल फोन में मौजूद इस साजिश से जुड़े सबूतों को मिटा दिया। हालांकि दिल्ली पुलिस की टीम इस घटना की पूरी साजिश से पर्दा उठाने में जुटी हुई है। इसके लिए संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले चारों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में चारों आरोपियों ने बेरोजगारी, किसानों की समस्या और मणिपुर की समस्या पर सरकार का ध्यान दिलाने के मकसद से इस घटना को अंजाम देने का दावा किया। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों को इनकी बातों पर यकीन नहीं है क्योंकि शक ये है कि इस घटना के पीछे कोई बड़ा मकसद भी हो सकता है। इसका पता लगाने के लिए आरोपियों के मोबाइल फोन की जांच जरूरी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक कोलकाता का रहने वाला ललित पेशे से एक टीचर है। और इस पूरे मामले में जो भी पुलिस की निगाह में शक के दायरे में होता है उसको भी इस वक्त हिरासत में लिया जा रहा है, पूछताछ की जा रही है। इसी से जुड़ी हुई एक और ब्रेकिंग न्यूज है। संसद की सुरक्षा में चूक मामले में आरोपी विक्की और उसकी पत्नी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। संसद में स्प्रे कांड के बाद
दोनों को हिरासत में ले लिया गया था। विक्की और उसकी पत्नी पर आरोप भी कई सारे लगे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे, गुरुग्राम से दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया था। आरोपियों को अपने घर में पनाह देने का आरोप है। बताया गया कि आरोपी उससे पहले इन्हीं के घर में छिपे हुए थे। हालांकि पूछताछ हुई उसके बाद छोड़ दिया गया है, लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि जांच रुक गई है। जो भी शक के दायरे में होगा, आगे की कार्रवाई को भी इस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। ये बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। और संसद की सुरक्षा में चूक का मामला आखिर है क्या, और इस घटना की जांच में अब तक क्या क्या कदम उठा दिए गए हैं, अब आपको वो भी विस्तार से बताते हैं। 13 दिसंबर का वो दिन जब लोकसभा की कार्यवाही के दौरान दो लोग दर्शक दीर्घा से लोकसभा कक्ष में कूद जाते हैं, और इसी बीच दो और आरोपियों ने संसद के बाहर हंगामा शुरू कर दिया, जिसका वीडियो पांचवें आरोपी ललित ने बना लिया और सभी आरोपियों के मोबाइल फोन लेकर वो फरार हो गया। पुलिस इस मामले की UAPA के तहत भी टेरर एंगल से भी जांच कर रही है। मामले में संसद भवन के सुरक्षा स्टाफ के 8 कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पूछताछ के बाद आरोपी विक्की और उसकी पत्नी को छोड़ दिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, मामले में 4 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में भी भेज दिया है। फरार पांचवे आरोपी ललित झा ने दिल्ली के कर्तव्य पथ थाने में खुद आकर सरेंडर कर दिया है, यानी कि जो भी अभी तक किरदार सामने आए थे वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इन सब के बीच में पुलिस सूत्रों के मुताबिक ललित ने ही चारों आरोपियों के साथ मिलकर संसद के अंदर स्प्रे कांड और संसद के बाहर प्रदर्शन करने की साजिश को अंजाम दिया। पुलिस सूत्रों का दावा यह भी है कि ललित ने ही इस घटना को अंजाम देने के लिए 13 दिसंबर की तारीख को तय किया था। और सूत्र बताते हैं कि ललित और उसके साथियों ने भगत सिंह से प्रभावित होकर इस घटना को अंजाम दिया, ताकि पूरे देश का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। सूत्रों का दावा है कि जांच के दौरान सुरक्षा एजेंसियों को पकड़े गए आरोपियों के किसी भी आतंकी संगठन से जुड़े होने के सबूत नहीं मिले, लेकिन इसके बाद भी पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां हर एंगल को खंगालने में जुटी हुई हैं। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि ललित के कहने पर इस घटना के लिए 13 दिसंबर का दिन तय किया गया था। ये वो दिन है जिस दिन ठीक 22 साल पहले संसद पर आतंकियों ने हमला किया था और उस आतंकी हमले में 9 लोग शहीद हो गए थे। मतलब जानबूझकर ललित ने इसी दिन संसद में स्मोक कलर अटैक की प्लानिंग की थी। सूत्रों के मुताबिक घटना को अंजाम देने से 2 दिन पहले ललित ने ही सभी को गुरुग्राम बुलाया था और सारे लोग दिल्ली के नजदीक गुरुग्राम में विशाल उर्फ विक्की के घर पर रुके थे। और एक और बहुत बड़ी खबर, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस रिमांड में अब भेज दिया है। दिल्ली पुलिस ने पटियाला हाउस कोर्ट से 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आतंकी संगठन की भूमिका की भी आशंका जाहिर की है, यानी कि अब टेरर एंगल से भी इस पूरे मामले की जांच पड़ताल को आगे बढ़ाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खबर है, संसद की सुरक्षा में चूक मामले में जो 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं अब 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। एक और बड़ी खबर, संसद सुरक्षा चूक केस में आरोपियों को पुलिस रिमांड पर मिल चुकी है 7 दिन की पुलिस रिमांड। आरोपी आपको ये भी बता दें कौन कौन है, नाम क्या है उनके, अमोल, नीलम, सागर, मनोरंजन को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया है। ये बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पुलिस सूत्रों का दावा तो ये भी है कि जिस वक्त उसके साथियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उस दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था, और इसी वजह से दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां ये दावा कर रही हैं कि इस घटना की पूरी तैयारी के साथ अंजाम दिया गया था, यानी कि सोची समझी साजिश के तहत ये सब कुछ उस दिन संसद के भीतर किया गया। और संसद की सुरक्षा को भेदने के लिए एक एक चीज की बारीकी से प्लानिंग की गई थी। पुलिस सूत्रों का दावा है कि संसद के अंदर और बाहर हुई इस घटना के दौरान आरोपी ललित संसद के परिसर में ही मौजूद था। मतलब संसद के अंदर स्मोक कलर अटैक और ठीक उसी वक्त संसद के बाहर हो रहे प्रदर्शन पर ललित नजर बनाए हुए था। दावा किया जा रहा है कि वो लोगों की भीड़ में छिपा हुआ था और संसद के बाहर अपने साथी नीलम और अमोल के प्रदर्शन का वीडियो बना रहा था। सूत्र ये भी बताते हैं कि संसद के बाहर ललित ने जो स्मोक कलर अटैक हुआ था उसका वीडियो अपने फोन पर बनाया और फिर उस वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, लेकिन जैसे ही सुरक्षा एजेंसियों ने अपने जांच पड़ताल शुरू की तो वो फरार हो गया और 13 दिसंबर की रात उसने राजस्थान के नागौर में एक होटल में छिपकर बिताई। उसके अगले दिन वो वहां से दिल्ली लौट आया और सरेंडर कर दिया। और ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, आखिर वो है कौन, उसकी भी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। आरोपी ललित पर साजिश का मास्टरमाइंड होने का शक जाहिर किया जा रहा है और उसी ने पूरे हंगामे का वीडियो भी बनाया था, जिसके बाद वो सभी साथियों के फोन जो थे मोबाइल फोन लेकर फरार हो गया था।
जानकारी की माने तो आरोपी ललित पत्रकारों की भीड़ में शामिल था और इस साजिश में सभी को इकट्ठा करने में उसी की अहम भूमिका है। आरोपी ललित बिहार का रहने वाला है जबकि पश्चिम बंगाल में वो शिक्षक था। अब ऐसे में उसकी भूमिका जब संदिग्ध मानी जा रही है तो अब जांच पड़ताल भी आगे बढ़ाई जा रही है। हालांकि आपको ये बता दें कि एक तरफ पुलिस ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन दूसरी तरफ यही ललित झा जो मास्टरमाइंड है, जो आरोपी बताया जा रहा है, अब वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है क्योंकि उसने खुद सरेंडर कर दिया। इन सबके बीच में एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित झा ने संसद के अंदर और बाहर हुए स्मोक अटैक की घटना का एक वीडियो अपने दोस्त नीलाक्ष को भी भेज दिया था। और पुलिस सूत्रों के मुताबिक नीलाक्ष कोलकाता में साम्यवादी सुभाष नाम से एक एनजीओ चलाते हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने की इस घटना के बाद नीलाक्ष सामने आ गए। उनके मुताबिक इसी साल अप्रैल में कोलकाता में एक कार्यक्रम के दौरान उनकी ललित से मुलाकात हुई थी और उसने नीलाक्ष को अपना परिचय एक सोशल वर्कर के रूप में दिया था। नीलाक्ष के मुताबिक ललित ने दावा किया था कि उसे पिछड़े वर्गों के लिए काम करना अच्छा लगता है। सूत्र बताते हैं कि दिसंबर महीने में नीलाक्ष के एनजीओ में एक मीटिंग होनी थी लेकिन जैसे ही ललित को इसका पता चला तो उसने मीटिंग को 12 दिसंबर से पहले करने की सलाह दे दी। इसी वजह से ये आशंका जताई जा रही है कि ललित काफी वक्त से इस घटना को अंजाम देने की तैयारी में था। सूत्रों के मुताबिक आरोपी ललित ने संसद हमले के तुरंत बाद नीलाक्ष से संपर्क किया था। घटना के बाद दोपहर करीब 1 बजे उसने संसद में घुसपैठ का एक वीडियो नीलाक्ष को भेजा था। नीलाक्ष का दावा है कि वो उस समय कॉलेज में थे और इसीलिए उन्होंने वो वीडियो नहीं देखा।